नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मोना पटेल। अभी हम रीगा द्वितीय पंचायत में आए हैं। जो नल जल योजना जो बना है, नल जल बना है पर लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। लगभग 2 साल के आसपास हो गया, लेकिन लोगों के किसी के घर में नल लगा है और किसी के घर में ना भी लगा है, लेकिन ये बंद पड़ा है। बताइए कि ये लगाने से कोई सुविधा है? किसी को कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों लगा हुआ है? आइए इस संदर्भ में बातें करते हैं यहाँ की जनता से। अपना नाम बताइए। सरोज कुमार पासवान। ये कब से लगा हुआ है नलजल? ये 2019 में लगाया गया। सबसे पहले यहाँ का एड्रेस बता दीजिए जगह का। ये जगह है संग्राम खंडा गांव विलेज वार्ड नंबर 17 रीगा द्वितीय पंचायत। और यहाँ का जमीन किया गया 5 साल का PHP विभाग से। होने के बाद 2.5 साल हो गया, अभी तक पानी टंकी चला नहीं, ना पृथ्वी का पैसा मिला तो नहीं लोग को सुविधा मिल गई। तो क्या बोला ऊपर से? ऊपर से यही बोला जा रहा है कि बार बार कि यहाँ पे वोल्टेज की कमी है, ताकि वोल्टेज यहाँ पे 300+ 300+ 250+ रहता, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। और जो भी काम किया हुआ है, जो भी सब लोकल है, अगरा सगरा जो भी स्टेबलाइजर वगैरह स्टार्टर है, सब गलत लगाया हुआ है। तो क्या जो ही बनाया, बनाने के बाद दोबारा कोई देखने नहीं आया? बनाने के बाद दोबारा आया देखने सरकार, और कुछ लोग आए थे केंद्र के विभाग से और कुछ कुछ लिख करके वो चले गए। उसके बाद कोई नहीं आया, जैसे कहा है उसे पढ़ा। तो किसी के घर में नल लगा हुआ है, नहीं लगा, तो उस समय आप लोग पूछताछ नहीं किए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? नल जल सबको लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, लेकिन सुविधा किसी के पास नहीं है। हालांकि बताया गया कि जी भी रोड खन करके पाइपलाइन होगा, तो सब रोड बनाया जाएगा। तो ये जो लगा हुआ है नल जल का, जो अथी लगा हुआ है, वो किन के माध्यम से लगा हुआ है? PHP के माध्यम से लगाया गया। तो वहाँ से कंपनी से आदमी आता है? नहीं आता है। नहीं आता है? एक बार आया था, उसके अलावा कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है और काम देखी रही हो आपके आँखों देखा हाल है जी भी आपके सामने। चाची आप अपना नाम बताइए। हाँ बताइए ना। ना ना बोलिए ना, जब आप लोगों को समस्या है, जब तक अपनी समस्या नहीं बताइए ना कि ऐसे ऐसे कैसे। यहाँ लोग आता है वार्ड मेंबर के वजह से पानी नहीं आता, तो क्या वार्ड मेंबर के? तो वो वार्ड मेंबर के है, कहिए कि वार्ड मेंबर के हाथ में नहीं है, हम लोग क्या करें? हमरा से हाथ में गई रहती तो अब तले चालू हो गए रहती। आप वार्ड मेंबर के कौन है? वार्ड नंबर के मम्मी है आप ही। तो इसका दोषी किसको मानते हैं कि पानी यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है? सरकार को सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? नल लगाइए तो नल पानी चाहिए। इसमें ताला लगा हुआ है तो इसका चाबी किसके पास रहता है? ठेकेदार के पास। तो ठेकेदार कभी घूम के नहीं आया है? नहीं आया है। आप बताइए, बोलिए ना। यहाँ कोई भी अपनी समस्या तो बता रहा है कि नल जल लगा हुआ है पर पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर में नल है, किसी के घर में नहीं है, टंकी चार चार दिख रहा है लेकिन पानी एक से ही नहीं आ रहा है। लेकिन सामने कोई कैमरा के सामने बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। बताइए कि इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? कोई कहता है वार्ड मेंबर की गलती है, कोई कुछ। वार्ड मेंबर का कहना है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, PHD के विभाग में है। तो PHD के विभाग के जो ठेकेदार है उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर और टंकी लगाए हैं तो आप लोगों को पानी दिया कीजिए, क्योंकि ये सोह में नहीं लगा है, ये जनता पब्लिक के यूज के लिए लगाया जाता है। जब ये लगा हुआ है किसी को इससे बेनिफिट होगा ही नहीं, तो ये लगाने से क्या फ़ायदा? सिर्फ खूबसूरती निखारने के लिए नहीं लगा हुआ है कि देखो भाई मेरे यहाँ चरचर वो टंकी लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है।